हेलो जी, गुड इवनिंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की एक और नई शानदार वीडियो में। तो भाई, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम फाइनली लेह पहुंच चुके हैं बहुत मुसीबतों का सामना करने के बाद। और कल रात में हम लेह पहुंचे, उसके बाद खाना पीना खा के सो गए। सुबह उठे, सुबह से फिर हमने अपना काम किया, वीडियो एडिट वगैरह, अपलोड वगैरह। उसके बाद फिर नहाए धोए और नहा इतना सब कुछ करते हुए नहाते वहाते हमको हो गया इवनिंग। अभी इवनिंग के 4 या 5 बज रहे हैं और अभी हम तैयार हो गए। कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। अभी फ़िलहाल हम लेह घूमने के लिए नहीं गए, हम रुके हुए हैं होम स्टे में। तो सबसे पहले हम आपको अपना रूम टूर दे देते हैं, सारी चीज़ें दिखा देते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे बहुत सारी चीज़ें। वेलकम। तो सबसे पहले हमारा ये शानदार सा बेड, इससे पहले हम आपको पूरा रूम दिखाएं, सबसे पहले हम आपको एक शानदार सा व्यू दिखाते हैं। इधर आइए, ये देखो, वाओ। इधर से दिखाते हैं, उधर से कांच लगे हुए हैं, थोड़ा कम दिखेगा। अभी थोड़ा धूप चली गई है, इवनिंग हो गया है, धूप होती तो और अच्छा दिखता। ओह, ये देखो बाहर कितना मस्त लग रहा है। बाहर पूरा ग्रीन ग्रीन गार्डन है, ग्रीन ग्रीन पेड़ हैं और पहाड़ भी हैं। मतलब लद्दाख में आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें हमको कहाँ से मिल गई। वैसे तो मतलब अब हम इसको थोड़ा बंद कर लेते हैं क्योंकि हवा आ रही है। और इधर भी ऐसे ही है, ये देखो पूरा गार्डन बना हुआ है। मतलब हम जब से यहाँ आए हैं ना, हमको ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब खाना बहुत अच्छा खाने को मिल रहा है। अब हम अपना पूरा रूम दिखाते हैं, गेट बंद कर देते हैं। तो ये देखो जी, जो हमारा रूम है ना, शानदार सा एकदम मस्त वाला, फुली फर्नीचराइज्ड है। सबसे ज्यादा यहाँ पे लकड़ियां लगी हैं वॉल में भी। इधर दरवाजा तो है ये लकड़ी का, लेकिन इसकी छत देखिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका रीजन ये है ना कि हमारे यहाँ पहले ऐसी छत हुआ करती थी, जब मिट्टी के घर होते थे उसमें बल्ली लगा के फिर मिट्टी का छत बनाते थे। बट अब ऐसा नहीं होता है, अब तो RCC का लिंटर डाला जाता है। हमको ये घर इतना मस्त लगा, इतना शानदार लगा कि क्या ही बताएं। चलो और कुछ दिखाते हैं। देखो इधर इतना मस्त बेड है कि आके 2 दिन बढ़िया, मतलब कल रात से सुबह तक इतनी अच्छी नींद आई कि क्या ही बताएं। इधर दिया गया एक छोटा सा साइड टेबल जिसमें हम सामान वगैरह रख सकते हैं। फिलहाल अभी ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, ठंडा पानी, गर्म पानी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमको गर्म पानी चाहिए था, तुरंत ला के दिए। और कल रात का गर्म पानी अभी भी गर्म है बॉटल में। और इधर थोड़ा हमारा सामान दिख रहा है, इसको इग्नोर करिएगा। अब हम दिखाते हैं आपको मेन पार्ट, वहां तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, बट बताते हैं क्या है। ये है कवर्ड जिसमें हम अपने कपड़े वगैरह रखते हैं। इतना बड़ा कवर्ड है ना कि क्या ही बताएं, मतलब हमारे जितने कपड़े हैं ना सब आ जाएंगे इसमें। बट हमने कपड़े इसलिए नहीं लगाए ना क्योंकि हमको फिर निकलना रहेगा, फिर समेटना पड़ेगा, तो हमने इसलिए अपने कपड़े इसमें नहीं लगाए हैं। बाकी मन तो बहुत कर रहा था कि हम अपने इसमें कपड़े लगा दें। अब हम आपको दिखाते हैं वॉशरूम, जो कि सबसे मेन पार्ट होता है। तो ये देखिए, ये रहा वॉशरूम कुछ ऐसा। हम अभी नहाए हुए हैं तो थोड़े कपड़े उपड़े पड़े हैं। कितना मस्त है वॉशरूम भी, पूरा नीट एंड क्लीन। दूसरी चीज, गीजर लगा हुआ है तो ठंडा गर्म पानी जो भी हमको चाहिए वो मिल जाता है इजीली। सबसे बड़ी चीज़ देखो, यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है ना तो नीचे जो है वुड लगा हुआ है, उसके ऊपर ये कालीन बिछा हुआ है जिसकी वजह से बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। और इतना शानदार सा रूम जो है, ये कितने का है हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी हम चल रहे हैं जिनका होम स्टे है, उनसे थोड़ी बहुत बातें करेंगे यहाँ लोकल के बारे में, और फिर ये जो बाहर गार्डन है ना उसको भी हम लोगों को घूमना है। तो चलो फिर आ जाओ। वो विंडो बंद है। ये पूरा खेत है, ये जिनका होम स्टे उन्हीं का। वेजिटेबल्स हैं उधर, एप्पल वगैरह भी है। अभी नीचे चलेंगे दिखाएंगे आपको, मतलब जितनी वेजिटेबल्स होती हैं ना सब यहाँ पे हैं। सब ओहो, बाहर की तरह हवा चल रहा है, मतलब मौसम सडनली चेंज हो गया, धूप थी, बादल बादल हो गए, हवा इतनी चलने लग गई है। जिस होम स्टे में हम लोग रुके हुए हैं ये कुछ ऐसा दिखता है, एकदम विला की तरह। एक्चुअली ये विला ही है, पूरा रिजॉर्ट है। ये देखो, ये हेलो, हाउ आर यू, आइए आइए। अभी हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। इधर देखिए, ये है सुप्रीम सोलर। हम लोगों ने हमारे यहाँ सोलर देखा है जिससे लाइट जलाते हैं, चक्की लगाते हैं, उसे चक्की चलाते हैं बहुत सारा, लेकिन ये हम पहली बार देख रहे हैं। ये देखिए,
इसमें पानी डाला जा रहा है यहाँ से और नीचे से गर्म पानी निकलता है तुरंत। ऐसा नहीं कि 10 मिनट रुकना पड़ता है, जैसे ही यहाँ से पानी डालेंगे नीचे से गर्म पानी आता है। और ये जो है ये मतलब सनलाइट से भी चलता है, सनलाइट से ही चलता है एक्चुअली, ये सनलाइट से चलता है प्लस लाइट से भी चलता है। जब विंटर में ठंडी होती है, मतलब विंटर में ठंडी तो होती है, स्नोफॉल ज्यादा होता है, तो इसको लाइट से भी कनेक्ट करते हैं। तो ये लद्दाख में ही बनता है केवल, ज्यादा नहीं बोलेंगे, भैया बताएंगे, भैया बता दिए। ये देखो कितना मस्त लग रहा है, क्या आप ब्लॉग बना रहे हैं? हाँ, यस 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 यस। तो इधर मिलिए, ये भैया हैं, होम स्टे का होम स्टे है, और ये है, इनसे भी मिलवाइए। हेलो जुले, चंद जी है, हमारा मिसेज है, इनका मिसेज है, मतलब हम लोग बोले तो भाभी है, भैया की वाइफ है। और हम कल से आए, काफी अच्छा लगा। फिलहाल थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में भैया से जानेंगे, और जो इनका खूबसूरत सा इतना बड़ा सा गार्डन है पूरा घूमेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी सब्जियाँ भैया ने लगाई हैं, कौन कौन से फ्लावर्स हैं, एप्पल हैं, बहुत कुछ है। तो चलो फिर, तो एक कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है, वो ये है कि अभी इवनिंग ज़्यादा लेट हो गया है, सनसेट होने को है, अभी हुआ नहीं, बट हवाएँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि जो गार्डन है पूरा ये, इसका टूर हम आपको मॉर्निंग में दें। यहाँ से फिलहाल थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं, देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं यहाँ से वहाँ तक, ये पूरे ग्रीन वेजिटेबल्स, और जितना ये दिख रहा है ना जहाँ पे हम रुके हुए हैं इन्हीं का है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे हमारे ब्लॉग में। चलो अभी अंदर चलते हैं। अरे लॉक हो गया है क्या? देखो शायद डोर लॉक हो गया, हमको खोलना नहीं आता। हम पीने जा रहे हैं लद्दाख की फेमस बटर टी। हमारे हाथ पे मत जाना, हाथ बहुत गंदे दिख रहे हैं। एक्चुअली ना ये आइस बंद हुआ है, क्योंकि हम लोग बर्फ में, तो अभी फिलहाल हम थे बटर टी पे। ये रही हमारी बटर टी, पी के बताते हैं कैसी है। इसमें मिल्क, सॉरी इसमें शुगर नहीं है, इसमें नमक है, नमक है। और ये लद्दाख की चाय है, लोकल चाय जिसको बोलते हैं लद्दाख की चाय। हम आपको दिखा सकते हैं, ये देखो ये अंकल है, ये अंकल हम लोग को लद्दाख की चाय पिला रहे हैं। कैसा है, अलग है ना? बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए अंकल बोले पी नहीं पाओगे आप, इसलिए थोड़ा थोड़ा अजीब सा टेस्ट है। लोकल फूड का भी ना आनंद लेना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा ना क्या करना चाहिए, चाहे वो हो या ना। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो, इतने दूर से आया है। हाँ हाँ, इतने दूर से आया तो यहाँ का लोकल चीज देख के जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, लोकल चीज देख के जाने। बाकी ये इंडियन टूरिस्ट में यही है कि वो होता है ना, ऐसा ऐसा करके कल्चर एब्जॉर्ब करो, एक दूसरे से शेयर करो। सही बात, राइट राइट, वही हमारी परंपरा है ना। हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारे है, हमारा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर तक होता है, नहीं कन्याकुमारी से लेकर काराकोरम होना चाहिए, वो कश्मीर तो बीच में आ जाता है। असल में जो ना काराकोरम हमारा लास्ट बॉर्डर है, अच्छा है ना, रूसिया, उसका रूसिया भी पड़ता है, उसमें चाइना पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये वर्टिकल पॉइंट, समझ गया समझ गया। जो जो दौलत बेग ओजदेव बोलते है, DBO लास्ट बॉर्डर है, वहाँ में जाके आया हूँ मैं, मैंने जो होम में काम करता था तो वहाँ में पे ड्यूटी किया। अच्छा अच्छा, तो हमें ये बोलना है इन फ्यूचर के लिए काराकोरम से लेके कन्याकुमारी तक, के टू के, हाँ कश्मीर टू है, ठीक है, कश्मीर से लेकर काराकोरम, हमारे अपने होते हुए पता नहीं चल रहा। सही बात सही बात, राइट, आपने बताया तब मुझे पता चला, वरना मुझे भी नहीं पता था ये। हम इंडियन हमारे होते हुए, हम यहाँ के वासी होते हुए, हमें खुद को पता नहीं है इंडियन को, वही बात, हम सब इंडियन फॉरनर को पहले पता होता है। यस सही बात बोला, राइट, इसीलिए बड़े अफसोस की बात बोलेगा। बिल्कुल 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 सही बात, नीचे में लखनऊ हो, केरला हो, जो सबको पता होना चाहिए ना। बिल्कुल, इवन की जब मैं दिल्ली में सर्विस करता था जी, दिल्ली में जाते तो आप लोग कहाँ से, लद्दाख से, लद्दाख चाइना में है बोलता है, हमें बहुत अफसोस होता है। ओह माय गॉड, इतना हिस्टोरिकल, इतना हिस्ट्री, इतना ज्योग्राफिकल बहुत कमजोर है हमारे। कहाँ, दिल्ली में? दिल्ली में बोलते ना, मोटे मोटे MBA करके, ये जरूरी MBA करके अपना सरहद तो पता होना चाहिए। बिल्कुल, छत से लेकर जमीन था तो पता होना चाहिए, कितना कमरा है बोल के। बिल्कुल, बेटे ऐसे चल दिया, बाप का है बोल के चल दिया, सीधा चल दिया। आप लोग यही चाय पीते हैं डेली? ये चाय पीते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग होता है, मैं बहुत कम स्ट्रॉन्ग
कम पीता हूँ, इससे बीपी भी बढ़ जाता है लोगों को। अच्छा अच्छा, बीपी ऐसे बढ़ जाते हैं, बुढ़ापे में बढ़ जाएगा, नमक ज्यादा रहता है इसकी वजह से, नमक ज्यादा है तो कहीं को नमक चाहिए चाहिए, तो इसमें ये हैबिचुअल हो जाते हैं, आदत हो जाते हैं, चाय का एडिक्ट हो जाता है ना। बिल्कुल, नीचे तो लेफ्ट हैंड चाय का कहीं को बहुत चाय चाहिए, वो चाय 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 दिन चार पाँच दस बार पी जाते हैं। हमारे उधर तो चाय ज्यादा पीते हैं, ये वाली दूध वाली चाय, दूध वाली लेफ्ट हैंड, ग्रीन टी भी बहुत कम पीते हैं। हाँ, लेफ्ट हैंड टी ये बोलेगा ये इंडियन टी है, इंडियन कल्चर का है या ये फॉरनर का है, जो लेफ्ट हैंड टी जो दूध चाय चाय पत्ती दूध और चीनी ये कहाँ का है असल में? ये आई थिंक बाहर का है, ये बाहर का है, लोकल जो होता है लोकल लोग बनाते ही नहीं, पीते ही नहीं लोग, लोकल था ही नहीं। हाँ, आप लोग कहाँ से? हम लोग उत्तर प्रदेश, यूपी से। हाँ जी, यूपी बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा स्टेट है, वाराणसी के पास, लखनऊ वाराणसी के पास, आप बोड़ा में पड़ता है ना, वाराणसी के पास मेरा घर है जी, बहुत बड़ा है ना। तो अपना इंडियन का असली चाय कौन सा है? असली चाय तो यूपी का काला चाय, काला चाय, जो काली चाय जिसमें गुड़ डाल के बनता है। हाँ, गुड़ अदरक इलायची चीनी लौंग देसी चीजें मिलाई जाती, तुलसी की पत्ती, ये सारा सब डाल के बनाया जाता है और वो सबसे अच्छा होता है। अब वो पीना बंद कर दिया लोगों ने, अब लोग ये सस्ता हो गया, बाजार से अमूल का बटर टी लाओ, अमूल का ये टी लाओ, जिनके पास गाय शाय नहीं है वो लाओ, बस फटाफट बना के पी। लेकिन काली चाय पीते हैं कब पीते हैं? जब सर्दी जुकाम हो जाएगा ज्यादा ना, तब मम्मी बना के देंगी, उसको शुद्ध देसी भाषा में बोलते काढ़ा, वो काढ़ा। हाँ, वो सर्दी हो गया ना तभी पीते है ना। हाँ, हाँ, वो हल्का भी कर सकता ना हम। हाँ, सही बात, लौंग इलायची दालचीनी डालते ना, डालते हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग है, बहुत गर्म चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है, हल्दी नमक लौंग इलायची तुलसी की पत्ती और काला नमक भी डालते हैं हल्का सा, वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है हमारे, उसको कहीं को सूट नहीं करेगा, रोज पिएगा उसमें हम, उसका जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो काम कर सकता है ना, कम करके वो मिलेगी, काम कर से। वैसे तो चाय पीना अच्छा भी नहीं है बोलता है ना, हमारे ससुराल में काली चाय ही बनती है, जिना चाय मत पियो ना अच्छा है। हाँ, सही बात, उसी के साथ में आपसे, लेकिन हम लोग का ना आदत है ना कि मॉर्निंग में चाय चाहिए ही होता है, हैबिट बन में आ गया है। अंकल जी जो हैं, जो भैया हैं, इनका ये घर है, मतलब उनके पिताजी हैं, तो भी देखिए रात के 9 बज गए हैं और हमारा डिनर भी लग चुका है, अब हम खाना खाने जा रहे हैं, देखते हैं आज हमारे डिनर में क्या है। कल तो हमने बिरयानी खाई थी, वेज बिरयानी, आज कुछ यहाँ का लोकल है जिसमें राजमा, ये होगा जी नहीं होगा ये आई थिंक, पता नहीं क्या है, सब्जी है, ये चावल और ये आई थिंक यहाँ की चटनी, यहाँ की चटनी रोटी अंकल, रोटी नहीं है, रोटी रोटी नहीं खाते आप लोग? अपनी डिमांड नहीं किया, मतलब नहीं, अगर होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रोटी चले, कोई बात नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, अरे कोई बात नहीं भैया, पहाड़ों पे मोस्टली लोग राइस और राजमा खाते हैं ना। ये यहाँ की वेजिटेबल्स है लोकल की, लोकल, और ये सलाद या चटनी, चटनी ही है, चटनी ही बोलेंगे इसको, बट इसमें नमक नहीं होता है, नमक नहीं होता है। कल नमक नहीं था ना हम खाए, अच्छा अच्छा, मैं तो खाया नहीं था उसको। इसमें आई थिंक प्याज और टमाटर धनिया मूली सब मिक्स रहता है। अचार खाएंगे, अचार इसमें कौन सा है, शिमला मिर्च का ना, मेरे में वो भी दे दो, 9628 उसमें मैंने लिखा था, जो आपने रफ दिया ना रफ, उसमें लिखा था मैंने, चलो क्या बात है, मस्त है ना, घर का खाना ऐसा ही होता है।